तोशी कुक्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसमें हम एक रेसिपी से ही दो रेसिपी बनाएंगे। दोनों ही रेसिपी हेल्दी है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। हेल्दी होने के साथ साथ ये ऑफकोर्स टेस्टी भी है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए हम फायरलेस कुकिंग करेंगे, हमें किसी भी आग की चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बादाम, 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब हम डालेंगे 1/4 कप कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर एक हेल्दी वर्जन है शुगर का, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जैगरी पाउडर ले लीजिए। 1/4 कप कोको पाउडर, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है जिसे पीसेस में काट लिया था, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें गरम दूध। दूध हमारा इतना गरम होना चाहिए कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर ख़राब ना हो, यानी कि हमें हल्का गरम दूध लेना है। और इसे ग्राइंड करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसे हम सर्विंग डिश में अपने डाल देंगे। मैंने एक ग्लासेस लिए हैं, ग्लासेस में डाल रही हूँ मैं, और इसे अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर का या फिर कस्टर्ड पाउडर का, बट इसके लिए आपको थोड़ा कुक करना पड़ेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मिल्क पाउडर ही इस्तेमाल करें। लीजिए, हमारा चॉकलेट मूज सेट हो गया है 1 घंटे में, और अब इसे हम बादाम से गार्निश कर लेंगे, और आपका यमी एंड हेल्दी वर्जन चॉकलेट मूज तैयार है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी भी बहुत ही आसान है और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बनने में। 4 ब्राउन ब्रेड लेंगे हम और उनके किनारे इस तरह से काट लेंगे। ऐसे ही हम चारों ब्रेड के किनारे निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे जिस पर हमें अपना केक सेट करना है। इस पर हम थोड़ा सा चॉकलेट मूज लगाएंगे इस तरह से, और इस चॉकलेट मूज के ऊपर हम अपना ब्रेड सेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कोकोनट शुगर और 1/4 कप पानी डाल के शुगर सिरप तैयार किया है। इस सिरप को हम ब्रेड पर इस तरह से फैला देंगे, पूरे ब्रेड पर हम फैलाएंगे इसे। अब ब्रेड की ऊपरी लेयर पर हम चॉकलेट मूज फैला देंगे। चॉकलेट मूज हमें अच्छे से लगाना है इस पर, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। अब इस पर हम अपना सेकेंड ब्रेड रखेंगे, और इस ब्रेड पर भी हम शुगर सिरप फैला देंगे जैसे पहले हमने फैलाया था। इस ब्रेड पर भी अब हम चॉकलेट मूज लगा देंगे। इस तरह से हम 4 लेयर तक अपने ब्रेड लगाएंगे। चारों ब्रेड हम इस पर रखेंगे और उस पर हम शुगर सिरप लगाएंगे और फिर उसके बाद चॉकलेट मूज लगाएंगे, यानी कि हमें अपने ब्रेड की 4 लेयर्स बनानी है। देखिए, ये 4 लेयर्स हमने बना दी है। अब हम साइड्स को भी चॉकलेट मूज से पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अब हम केक के किनारों पर कटे हुए बादाम की फ्लेक से गार्निश कर लेंगे। केक को आप अपनी पसंद से जैसा आप चाहें गार्निश कर सकते हैं, पर मैं इसे हेल्दी वर्जन तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैंने बादाम ही इस पे लिए हैं, और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं ये। ये केक बनाने का सबसे मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि अब हमें इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है, और इसे हमें काटने के लिए कम से कम 1 घंटा तो हमें वेट करना पड़ेगा। लीजिए, हमारा केक तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। प्लेट मैंने चेंज कर ली थी,
वो वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं वहाँ पर। आइए इसे कट करके भी देख लेते हैं हम कैसा बना है। आप इसे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। सभी सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इन्जॉय। Thanks for watching.